मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने दूर दराज से आए 250 फरियादियों के फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार अच्छे से अच्छे चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए, इसके लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। शुक्रवार को जनता दर्शन में एक महिला ने अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार की तो मुख्यमंत्री ने उसे आश्वस्त किया, आप बिना चिंता उपचार कराइए, पैसा हम देंगे। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में करीब 250 लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी बात सुनी। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि बिल्कुल मत घबराइए, परेशान मत होइए, हर मामले में प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने प्रार्थना पत्रों को विषयानुसार प्रशासन व पुलिस के अफसरों को हस्तगत करते हुए निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उनका संतुष्टिपूर्वक समाधान कराएं। जनता दर्शन में हमेशा की तरफ इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसका इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। सीएम ने महिला से पूछा कि क्या उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो जवाब में महिला के नहीं कहने पर सीएम ने कहा कि आप अच्छे से उपचार कराइए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पैसे हम देंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जब आवाज मिलेगा, जब आवाज है जरूर मिलेगा।